कनिका तहसीलदार को रेस्ट ऊपर को पेट्रोल बमा मार घटना रो 8 दिन बीती जाईची राजकनिका पुलिस ताणु साजि जदी कहबा जने तहसीलदार सुरक्षा पाउनती तबे सारो जनता कोन पाउतिबे सुरक्षा तबे जदी आमे कहबा ताजा चित्र आमे आपन देखौछु वर्तमान आमे कार्यालय परिसर अछु प्रेमानंद बेहरा जी अछन्ति तहसीलदार तथा निर्वाही मजिस्ट्रेट कनिका तबे तांको तांको सहित सीधा सख आमे कथा हबा जदी कहबा जत प्रकार असुरक्षित होई पडछन जत पुलिस प्रशासन ताणु साजि तबे साधारण जनता केते हिसाब रे न्याय पाउतबे आपन निश्चित भाबे अनुमान करि परुथबे तबे जदी कहबा एबलि परिप्रेक्षित तांको रेस ऊपर को जो आक्रमण कराया किसी बाली माफिया तांकु रेस भितर को बाली बोमा माड़ कर पेट्रोल बोमा माड़ कर परिवार जी अच्छा पत्नी अच्छा जी अच्छा सी असुरक्षित भयभीत होते परिप्रेक्षित सीधा सड़क जाते थाना अफिसर को जोजोग करते थाना अधिकारी से तदंत जारी रखते कि एजावत बीतीगला अभियुक्त को थाना अधिकारी धरवे विफल है जदि कह जे मजिस्ट्रेट पावर थी से प्रेमानंद बेहरा को जब सुरक्षा दे पार नहीं कनिका पुलिस तब साधारण जनता ये के सुरक्षित अच्छा तेज सीधा सड़क आप देखुंत आम कार्यालय परिसर सीधा सड़क ड्रेस पहुंचु सार को प्रतिक्रिया ना सर केमी सर जो आप असुरक्षित हो पड़ते बाक्सर क्षेत्र जो पुलिस पुलिस पारिया पर आप कौन देखें पुलिस अद्यावधि कौन सी स्टेप ने ना भेरी डे एफआईआर कॉपी देली एवं मोर जहाँ असुविधाटा घटी मत जन से इनक्वारी कर तार तदंत कर स्टेप ने बोली कहले कि अद्यावधि पुलिस तरफ कौन सी कार्यानुष्ठान ग्रहण कराला सर ये गोटे प्रश्न उठी आप दिन राति तमाम जो कोविड समय आपक समय देखीछू आप कोविड समय जा सारा जनता सेवार लगि पड़ते आपण पर आक्रमण कराई आप अवगत कर बाबद मुझीओं को कई प्रशासन तरफ मोर ऊपर अफसर मान जन समस्ते स्टेप नहीं कि राजकनिकार आई आई सी से ए बाबद्रे भूकेप न कर ता पर दिन छुट्टी रहीगले परे जे चार्ज रे से मैडम को जन कि ना भी मत पुलिस प्रोटेक्शन टे मो पर प्रति दि जाऊ अद्यावधि से भाया पुलिस प्रोटेक्शन तो दवा दूर कथा टी बुले आसुना तो ये गोटे प्रश्न उठे आज्ञा देखो से बाली माफिया कथ कह कि ईटा माफिया कथ कह जो कह समय सब बाली माफिया मैंने उत्पात करेन्द्रापड़ा जिले बाली माफिया उत्पात लग रही तेज कह तहसीलदार एप्रति दृष्टि दौरान से बाली माफिया को जो गिरफ्त करा जाऊँगी तेज अतर्कित भाव जो पेट्रोल बोमा माड़ कराऊँगी बासभवन को माड़ कराऊँगी सर संपूर्ण घटना सहित कौन थी जैनिक व्यक्ति जे कि गगन शुक्ला पिता हूँ गौतम शुक्ला राजकनिकार गंजा ग्रामवासी ग्राम घर से व्यक्ति विभिन्न समय सरकारी जगार बेसरकारी जगार अनऑथराइज बाली उठेवा माटी उठेवा कार्य लिप्त रुंत बारंबार ताकू से बाबद से फाइन दे सत्वे से विभिन्न समय बाहर जा बोमा पक मारिदेबा पर मारिदेबा एवं नाश गाँव को पठेदेबा विभिन्न बयान करीश तारिख दिन राति से भद्र व्यक्ति एक बोतल बोमा मोर बासभवन उपरको फिंगी से मोर पिला पर मुंतु अफिस् पाखे थी अफिश्रु गला देख ली बोमा टी फाटी जा मानने तले पड़ी संपूर्ण जलुची एक कुंड चारा गच से जल्वाक आरंभ कर झरका पाखक लगे जदिव कि झरका पाख कला पड़ी पोड़ आरंभ कला मु संगे संगे तार पा आकईली थाना आई आई सी को बाबद जन थाना आई सी देखला से कहे बोधे किए बाहर लोक बायणी फाणी फोपाड़ी देखते ये तुम व्यस्त होनी कि तत्पर से जैनिक लोक 9 तारीख दिन जेहेतु से विभिन्न सरकारी जगह और बेसरकारी जगार माटी उठाऊला जो जगह माटी उठे बिकुला से लोक पाखे आम पहुँची कही बाबू अनऑथराइज माटी जेहेतु उठाऊँ से माटी आ न उठा से समय से मो सहित कथा कहला सारे आप्लाय करदेवि माटी आ उठी ना कि उत्क्षिप्त होकर ठीक 9:30 समय चंदन पोखरी छक निकट तार गोटे
ବାସସ୍ଥାନ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ସରକାରୀ ଜାଗା ଉପରେ ଅଛି, ସେଇ ସରକାରୀ ଜାଗାର ଏକ ଦୋକାନ ବାସସ୍ଥାନରେ ପାଖରେ ରହିକରି ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁ ଖରାପ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଚ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ବୋମା ପକାଇ ମାରିଦେବା ଏବଂ ଆଗରୁ ଗୋଟିଏ ବୋମା ପକାଇଥିଲି ଏଥରକ ଡବଲ ବୋମା ପକାଇବି ଇତ୍ୟାଦି ବୟାନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜୀବନରେ ମାରିଦେବି ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାଶ ଗାଁକୁ ପଠାଇଦେବି, ଏସବୁ ବୟାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ତା'ର ଖବର ପାଇ ଅତୃଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲୁ ଏବଂ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଭୟ ଭିତରେ ସେଦିନ ରାତିଟା ଆମେ କଟାଇଥିଲୁ। ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପୋଲିସକୁ ଜଣାଇ ଦେଇଥିଲୁ। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ତା ପରଦିନ ମୁଁ ପୋଲିସଙ୍କୁ FIR ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲି। ପୋଲିସ ଅଧ୍ୟାବଧି FIR ଲଞ୍ଚ କରିଲା ପରେ କୌଣସି ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇନାହିଁ କିମ୍ବା ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଦେବା ପାଇଁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ଅଧ୍ୟାବଧି କରିନାହିଁ। ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଶୁଣୁଥିଲେ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ବେହେରା ଯେତେବେଳେ ତହସିଲଦାର କନିକା, ତେବେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିଥିଲା ନିଶ୍ଚିତବାସୀ ଅସୁରକ୍ଷିତ ମନେଉଛନ୍ତି। ଯଦି କହିବା ଜଣେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ପାୱାର ଥାଇ ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ତେବେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ କାହା ପାଇଁ ରହିଛି? ଯଦି କହିବା ରାଜକନିକା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଯେ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ସାଜିଛନ୍ତି? ଯଦି ଜଣେ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଉପରକୁ ଜଣେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପରିବାର ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରାହେଉଛି, ଗୋଟେ ନିନ୍ଦନୀୟ ପରିତାପର ବିଷୟ ପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଏଠି କ'ଣ ଚାଲିଛି ପ୍ରଶାସନ ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତ ଆପଣମାନେ ଅନୁମାନ କରୁଥିବେ। ତ ଯଦିଓ କହିବା ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଅଛନ୍ତି SP ଅଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ SP ନୂଆ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ SDPO ଯିଏ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତହସିଲଦାର ଜଣାଇଥିଲେ, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଥିଲେ, ଖବର ଜଣାଇଥିଲେ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଉନି? ଯଦି କହିବା ଏଠି ଯେ ବାଲି ଓ ମାଟି ମାଫିଆ ଜଣକ ଏତେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ରହିଛନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ପୋଲିସ ଧରୁନି? କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଲିଙ୍କ୍ ରହିଛି କି? ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବା ଏଠିକାର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ପ୍ରତାପ କେଶରୀ ଦେଓଙ୍କ ସେ ପାଖ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି ତ? ଏମିତି ସାଧାରଣ ଉଠୁଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ଯଦି ତତ୍ପର ନ ହେବ ତାହେଲେ ତହସିଲଦାର ଯଦି ନ୍ୟାୟ ନ ପାଇବେ ତେବେ ସାଧାରଣ ଜନତା କିଭଳି ଭାବେ ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରିବେ? ରାଜକନିକା ତହସିଲ ପରିସର ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍ଗା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।